आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। लाखों खर्च के बाद भी 6 साल में लोगों को नहीं मिला शौचालय का सुविधा। यह भागलपुर स्मार्ट सिटी है। यहां नगर निगम के द्वारा शौचालय का निर्माण तो कराया जाता है, स्वच्छता का संदेश दिया जाता है, स्मार्ट सिटी के बड़े बड़े बैनर लगाए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत धूल फांक रही है। दरअसल नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 26 में बीते 6 वर्ष पूर्व मायागंज मुसहरी घाट जाने वाले रास्ते के मुख्य मार्ग पर पूर्व उपमहापौर दीपक भुवानिया के द्वारा सार्वजनिक शौचालय का उद्घाटन किया गया था, जिसका अहम भूमिका नगर निगम के प्रशासन और जनप्रतिनिधि ने खूब निभाई थी। लेकिन 6,92,680 रुपए की लागत से बनाए गए शौचालय बीते 6 वर्षों के बाद भी धूल फांक रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उद्घाटन के बाद भी लोगों को सुविधा नहीं दिया गया, लोग एक दिन भी इसका उपयोग नहीं कर पाए और आज इन शौचालय का स्थिति ऐसी हो गई है कि शौचालय धूल फांक रही है और लोग उसे देख रहे हैं। जरूरत है नगर निगम प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को ध्यान देने की। 10 साल से शौचालय बंद करके और बंद कर दिया है। जब से शौचालय बना है बंद कर दिया है। हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है, एकदम सब रोड पे पैर लेटरिंग करता है। इससे क्या लगता है कि स्वच्छता को संदेश दिया जाएगा या फिर गंदगी फैली जाए? नहीं सर। अच्छा, कितना साल पहले इसका उद्घाटन किया गया था? यही 10 साल। 10 साल। हाँ। एक को बार गए आप इसमें? नहीं सर, एक को बार नहीं गए। बहुत दिक्कत हो रहा है सबको। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। सब पर नजर, सबकी खबर।